Here we come for discussing the 5-month strategy for UPSC 2021 prelims. Pin the date that 27 June 2021 is the date when you are going to attend the UPSC prelims. That is almost 150 days, that is from Feb to June. And you have to plan this upcoming 5th month in such a way that almost the prelim syllabus that is prescribed by the UPSC उतना तो आपको कवर करना ही है. एंड नाउ आई विल डिस्कस द सिलेबस, व्हाट इज दैट फॉर द प्रीलिम्स एंड फर्दर द बेसिक बुक्स एंड हाउ टू प्लान द अपकमिंग 5th मंथ. स्टार्टिंग विद द सिलेबस फॉर द प्रीलिम्स, सो एज यू नो दो पेपर होते हैं, तो सबसे पहला है जनरल स्टडीज पेपर नंबर 1. तो यहाँ पे सिलेबस है कि करंट इवेंट ऑफ द नेशन, सेकंड वन इज इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, थर्ड इज़ हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट्स, इंडिया और वर्ल्ड की ज्योग्राफी, फिजिकल सोशल इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ द एंटायर वर्ल्ड. उसके साथ साथ पॉलिटी के सेक्शन से कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट्स इशू एक्सेट्रा, इकोनॉमी एंड सोशल डेवलपमेंट के पार्ट से सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो गया, पॉवर्टी, इंक्लूसिव इंक्लूजन, डेमोग्राफिक, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव एक्सेट्रा, जनरल इशूज़ ऑन इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंजेस एंड अलॉन्ग विद दिस द जनरल साइंसेज. ठीक है, तो इसमें कुछ ये जो लास्ट टॉपिक है रिलेटेड टू द इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड द क्लाइमेट चेंज, इसमें आपको एक स्पेशल नॉलेज नहीं लगता है, बट एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है किसी भी टॉपिक की वो होनी चाहिए. इस तरीके से हमने सिलेबस देख लिया. अब हम देखते हैं नेक्स्ट पेपर 2, दैट इज सीसैट का. नाउ द सीसैट सिलेबस में अगर देखा जाए तो कंप्रेंशन, इंटरपर्सनल स्किल इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटीज, डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग के क्वेश्चंस होते हैं, जनरल मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस, बेसिक न्यूमेरिकल नंबर्स एंड देयर रिलेशन, अदर ऑफ द मैग्नीट्यूड्स एक्सेट्रा. ठीक है, क्लास 10th लेवल तक ही चाहिए आपको, मतलब एक बेसिक नॉलेज. एंड नेक्स्ट इज अ डाटा इंटरप्रिटेशन, जहाँ पे चार्ट्स, ग्राफ, टेबल, डाटा सफिशियंसी एक्सेट्रा, वो सारा 10th लेवल के जितना नॉलेज होना चाहिए उतना होता है. सीपी क्वालिफाइंग पेपर होता है, 200 मार्क्स का पेपर है. ठीक है, इसी साइड का पेपर. नाउ द मस्ट रीड बुक्स, ओके, दिस आर द इम्पॉर्टेंट बुक लिस्ट जो आपको कवर करना ही है. सो पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, नेक्स्ट एंशियंट एंड मिडिवल हिस्ट्री के लिए आप एनसीईआरटी कवर कर सकते हो, नेक्स्ट मॉडर्न हिस्ट्री स्पेक्ट्रम से कवर हो जाएंगी, इकोनॉमी रमेश सिंह या संजीव वर्मा की जो बुक है वहाँ से आप कर सकते हो, एनवायरमेंट के लिए शंकर आयस, आर्ट एंड कल्चर 11th एनसीईआरटी और नितिन सिंघानिया, अलॉन्ग विद दिस ज्योग्राफी एनसीईआरटी से कवर हो जाएगा, सीसैट और करंट अफेयर जो है आपको बार बार पढ़ना ही पड़ेगा. ठीक है, तो मैं करंट अफेयर की स्ट्रैटेजी एक बार बता देती हूँ एंड उसके साथ साथ जो आपको स्टैटिक पार्ट है, ठीक है, उसको भी आप कैसे प्लान कर सकते हो 5 महीने के लिए, ठीक है, वो भी बता देती हूँ. ठीक है, नाउ फ्यू थिंग्स जो आपको इम्पॉर्टेंट है वो है कि सबसे पहले आपको करंट अफेयर्स को कवर करना विद द लिंकेज इन विद द स्टैटिक पार्ट, एंड नेक्स्ट इज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करना, टेस्ट सीरीज जितने हो सकते उतने सॉल्व करना अलॉन्ग विद द मल्टीपल रिविजन. नाउ स्टार्टिंग विद द करंट अफेयर, तो एटलीस्ट आपको एक साल का करंट अफेयर कवर करना है, दैट इज़ 12 मंथ्स. ठीक है, तो किसी भी एक इंस्टीट्यूशन का जितना लास्ट जून से, ठीक है, अभी तक चल ही रहा है, ठीक है, तो पूरा एक जो है कंपाइलेशन निकाल लो. ठीक है, हर मंथ का कंपाइलेशन जो आता है इनसाइट का लो या विजन का लो, ठीक है, आपको जो प्रेफर कर सकते हो आप वो लो. ठीक है, एंड अभी ये 5 मंथ्स है आपके पास, तो एटलीस्ट 2 से 3 जो PDFs हैं, ठीक है, जो भी उनके कंपाइलेशन है उसको आप पढ़ो. ठीक है, उसके साथ साथ डेली करंट अफेयर जो आता है किसी भी न्यूज़पेपर का उससे भी आप अपडेट हो. इस तरीके से आपका जो करंट अफेयर का पोर्शन है वो कवर हो जाएगा. नाउ स्टैटिक का अगर देखा जाए तो आपको, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हो, जितनी भी बुक लिस्ट है आपको उतनी कवर करनी है. तो आप अभी से भी स्टार्ट करें, दैट इज स्टार्टिंग विद द जान, आज से ही आपने स्टार्ट किया तो फेब के एंड तक आप अपना पॉलिटी का सेक्शन लक्ष्मीकांत से, उसके साथ साथ एंशियंट और मेडिवल हिस्ट्री, ठीक है, एनसीईआरटी से कंप्लीट कर सकते हो. सो एट द मार्च 2021 आप मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट कर सकते हो स्पेक्ट्रम से, नेक्स्ट इकोनॉमिक अगर सेक्शन कंप्लीट करना हो आपको तो आप रमेश सिंह, संजीव वर्मा की बुक, शंकर आयस और मोस्ट प्रेफर्ड, अभी आपके पास जैसे टाइम काफ़ी कम है तो आप मृणाल सर के जो वीडियोज़ है यूट्यूब पे, ठीक है, वो आप रेफर कर सकते हो. इससे क्या होगा, आपका इकोनॉमी कंप्लीट हो जाएगा एंड मॉडर्न हिस्ट्री का भी पोर्शन कंप्लीट हो जाएंगे. एंड वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, मैं अपनी
प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट्स को डिवाइड कर रही हूँ, आप इसको वेरी भी कर सकते हैं, ठीक है। तो बस मैं आपको एक आइडिया दे रही हूँ कि किस तरीके से आपको ये जो अपकमिंग 5 मंथ्स है उसको प्लान करना है। आप अपने फिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग इस सब्जेक्ट्स को वेरी कर सकते हो, ठीक है। नाउ द मंथ ऑफ अप्रैल, आप इन्वायरमेंट का सेक्शन कंप्लीट कर सकते हो शंकर आयस से, नेक्स्ट आर्ट एंड कल्चर 11 एनसीईआरटीज और नितिन सिंघानिया, एंड द लास्ट वन इज अ ज्योग्राफी, ठीक है। एनसीईआरटी आप कंप्लीट कर सकते हो। एंड नाउ द नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट मंथ रहेगा आपके लिए मई का, और उस टाइम पे आपको एक जो बताऊंगी मैं वो आपको करना है, सबसे इम्पॉर्टेंट है, मतलब है आपको मस्ट है, आपको करना ही पड़ेगा। एंड दैट इज मई से 15th ऑफ जून तक एटलीस्ट आपको जितनी हो सकती है उतने टेस्ट सीरीज सॉल्व करो, ठीक है। तो कुछ सेक्शनल्स लो, दैट इज टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज करो, और कुछ जो है कंबाइंड इतना जो टेस्ट है वो कर लेना, ठीक है। और उसके साथ साथ आपको जो है रिवीजन जो आपको टेस्ट में अगर क्वेश्चन कुछ नहीं आता हो तो जस्ट बुक ओपन, ठीक है, टेस्ट होने के बाद बुक ओपन करके उसको रिवाइज कर लो, ठीक है। आपको क्या रहेगा, आपको ये टॉपिक जो नहीं आ रहा है उसका आंसर नहीं आ रहा है तो आप उसी को बार बार पढ़ोगे तो आपको वो अच्छे से याद हो जाएगा। उसके साथ साथ जो है आपको सी सेट, ठीक है, तो कंप्लीट एक मंथ जो है मई से जून तक आप सी सेट का भी जितना हो सकता है उतना जो है टेस्ट सीरीज सॉल्व करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखो, ठीक है। तो 10th लेवल के बेसिक तक ही आता है सी सेट का, तो मोस्ट प्रोबेबली आपको हो जाएगा, ठीक है। तो बस क्वेश्चन पेपर्स को प्रैक्टिस करते रहो, टेस्ट सीरीज के जितने हो सकते हैं उतने, उसके साथ साथ जो क्वेश्चन नहीं आते उस पर ज़्यादा ध्यान देते हुए, ठीक है, उसी टॉपिक को बार बार रिवाइज करो, ठीक है। बिकॉज एज यू नो दैट टू क्रैक द प्रीलिम द बेसिक एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज जितने टेस्ट सीरीज हो सकते उतने टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट करना एंड द मल्टीपल रिविजन, ओके। सो ऑल द बेस्ट फॉर द अपकमिंग प्रीलिम्स। एंड यस गाइस, अगर आपको किसी भी टाइप की क्वेरीज हो तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, यहाँ पे जिस स्क्रीन पे आप देख सकते हो जो ईमेल आईडी है वहाँ पे आप अपनी क्वेरीज जो है वो पोस्ट करो, एंड आई विल ट्राई टू रिजॉल्व इट। एंड अलॉन्ग विद दिस आप कमेंट सेक्शन में भी आपके जो क्वेरीज है वो आप मेंशन कर सकते हो, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू योर कमेंट्स। एंड ऑल्सो अगर आपने मेल किया आपके डिटेल आपका जो क्वेरीज है उसको भी मैं जल्दी से जल्दी ही आपको जो है रिप्लाई दूंगी। एंड Yes, please do subscribe to the channel for the more update. Stay connected and stay tuned for the upcoming videos. And yes, thank you for watching.